नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली, साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे युवा आपको मिल जाएंगे जो सरकार को कोस रहे हैं जॉब नहीं मिलने के कारण, जो अपनी परवरिश को कोस रहे हैं अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण, जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, किस्मत ही खराब है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ, प्लीज इसे देखें और समझने की कोशिश करें। ರಸ ಎಂಬ ಪದವು है ना, ಅದನ್ನು ತಗೋ। ಒಂದು, ಎರಡು, ಇಪ್ಪತ್ತಾರು, ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು, ओय भाई ले, मन के तक
ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಮ್ಮ किस तरह इस लड़के ने अपनी जिंदगी बदली. वो गरीब फैमिली से है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उस लड़के में लगन है, मेहनत करने की क्षमता है और साथ ही साथ एक ऐसी समझ है जो उसे सही समय पर सही फैसला करने का हुनर देती है. कोई भी युवा बहुत आसानी से इन चीज़ों को फॉलो करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है और बहुत ऊँचाई पर जा सकता है. लेकिन जो समस्या आती है हमारे युवाओं के साथ में जो अपना काम नहीं कर पाते वो है उनकी शिक्षा. अक्सर हम देखते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, वो बड़ी आसानी से कोई भी काम शुरू करते हैं और अक्सर ऊंचाई पे चले भी जाते हैं. लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये नहीं कर पाते. क्यों? ये शिक्षा आपने आगे बढ़ने के लिए ली है या फिर अपने पैरों में जंजीर बांधी है कि आप ये काम नहीं कर सकते? हमारे देश के ग्रंथों में लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम,
लेकिन क्या इस शिक्षा ने आपको वो विनय दिया है? आप इतने पोलाइट हो पाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर इस शिक्षा के कारण एक अकड़ आ गई है और आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि ये काम छोटा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आपने वास्तव में शिक्षा ग्रहण की है तो आपके अंदर तो स्वाभाविक तौर पर ये विनम्रता का गुण भी आ जाना चाहिए। और विनम्रता का मतलब है कि हमारे लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं, हम हर चीज़ को बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम इसके लिए भी बैठ के सरकार को दोष दे करके इन कमियों को दूर नहीं कर सकते। हम व्यक्तिगत रूप से खुद पर काम कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा किस काम की जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे? ऐसी शिक्षा किस काम की कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक नौकरी पाने के लिए जंजीरों में बांध कर रखे और आपके बहुआयामी व्यक्तित्व को कुंठित कर दे? शिक्षित होते हुए हम सीखते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में तालमेल बैठाना है, कैसे हमें अपने लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करने हैं, कैसे हमें अपने जीवन को ज़्यादा सुविधापूर्ण बनाना है। क्या शिक्षा हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ एक नौकर बनना है, हमें सिर्फ एक नौकरी करनी है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते? आप अगर बेरोजगार हैं तो यह आपका दोष है, किसी सरकार का दोष नहीं, किसी परिवार का दोष नहीं, किसी माँ बाप का दोष नहीं, किसी किस्मत का दोष नहीं, ये आपकी शिक्षा का दोष है जो आपने ग्रहण किया है, आपके शिक्षकों का दोष नहीं जिन्होंने आपको शिक्षा दी है। आप ही के साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले कई लोग अपने अलग अलग व्यवसाय में आगे बढ़ गए और आप अभी भी रोजगार का रोना रो रहे हैं। कमी किसकी है? एक बार सोचने की दिशा अपने व्यक्तित्व की तरफ लेकर के आए तो आज ही आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, आज ही आपके जीवन में बदलाव आ सकता है और आज ही आप रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। एक अनपढ़ इंसान भी अपना एक फॉर्म खोल करके, अपना कोई काम शुरू करके 4 लोगों को काम पे रख लेता है और वो रोजगार पैदा करता है। और आप पढ़े लिखे होकर के इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी सिर्फ अपने लिए नौकरी की तलाश में परेशान हैं, क्या आप रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते? बेरोजगारी की इस समस्या को दूर करने में क्या आप कुछ नहीं कर सकते? हमारे देश में हजारों लाखों ऐसे काम हैं जो आप बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कहते हैं ना, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक रीजन काफ़ी है, आपकी मेहनत, और फेल्योर के लिए हजारों कारण कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो सीरीज लेकर के आऊं जिसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में बताऊंगी। अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप वो काम कैसे शुरू करें, उसमें क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इस संबंध में आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर आती हूँ दोस्तों कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।